Hello friends, I'm Shantanu, your coach, and today we are going to cover the Trade Union Act 1926. Sabse pehle hum iska introduction dekhenge. The name of this act is Trade Union Act 1926. Kafi purana ye act hai. It extends to whole of India. Aur ye Jammu Kashmir mein bhi applicable hai from 1970 onwards. इसकी जो इफेक्टिव डेट है दैट इज ऑन 1 June 1927 को ये इफेक्टिव हो गया है ये एक्ट. देयर आर टोटल 33 सेक्शंस एंड विच आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. नाउ लेट्स सी द रेगुलेशंस. इस एक्ट के कुछ रेगुलेशंस भी हैं. तो नाम है इस रेगुलेशन का सेंट्रल ट्रेड यूनियन रेगुलेशन 1938. So there are total 17 regulations in these regulations, and this will apply to trade unions whose object extend to more than one state. So yaad rakhna, agar koi trade union hai, uska jo object hai keval one state mein hi limited hai, wo ek hi state mein kaam kar rahi hai, uska object limited to one state hai, to ye regulation nahi lagenge. Lekin ek state se bhi jyada, state 2 pe bhi wo kaam kar rahi hai, ek se jyada state pe, to hi ye regulations lagenge. Exam mein question bhi aa sakta hai. Now there are 4 forms which have been prescribed under these regulations. Ye bhi exam mein aa sakta hai. Form A is for application for registration. Ek format diya hai, application for registration of trade union. Form B is for register of trade union. Yani ek register maintain karne padega, uska format hai form B mein. Form C contain the format of certificate of registration of trade union. Yani jab aap registration ke liye apply karenge, to registrar aapko ek certificate dega, certificate of registration. Wo hoga form C mein. Form D is format of annual return. Har saal aapko ek return file karna padega registrar ko, uska format hai form D mein. Ab hum dekhenge iska object. The Trade Union Act 1926 deal with the registration of trade union. Yani koi trade union hai, usko register karna hai apne aap ko, to wo register kar sakti hai under this act. Their rights and liabilities, responsibilities, their fund उसका कैसे यूज होगा, ये सभी बातें इसमें कवर हैं. इट gives the लीगल एंड corporate स्टेटस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक अलग तरह की एंटिटी आपको मिलती है रजिस्ट्रेशन के बाद, विच विल बी लीगल एंटिटी, एंड उसका कॉरपोरेट स्टेटस होगा उस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन के बाद. सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. जो भी उसके ऊपर केस फाइल होंगे ट्रेड यूनियन, वो उसको ठीक से हैंडल कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है अपने आप को. साथ ही साथ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली द यूनियन ऑफ वर्कर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ट्रेड यूनियन जब हम बोलते हैं तो हमको लगता है वर्कर्स की यूनियन, ऐसा नहीं है. इवन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर के ऊपर भी ये एक्ट लगता है, यानी एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं. तो यूनियन ऑफ वर्कर या फिर एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर, बोथ will be covered under this act. This act extends to whole of India. ये हम पहले ही देख चुके हैं. अब हम देखेंगे इसमें कुछ definitions, कुछ खास important definition है जो exam में आ सकती है, वो हम पहले देख लेते हैं. सबसे पहले इन्होंने define किया है executive under section 2A. Executive का मतलब है body जो manage करती है affairs, किसके, trade union के. तो ऐसी बॉडी जो ट्रेड यूनियंस के अफेयर्स को मैनेज करेगी, ऐसी बॉडी ऑफ पर्सन्स, उनको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव. इसके बाद इन्होंने बोला है ऑफिस बेयरर्स. तो सेक्शन 2B में ऑफिस बेयरर बताए हैं. तो इसमें इन्होंने कहा है कि इट इंक्लूड्स, तो डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इट इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बट डज नॉट इंक्लूड ऑडिटर. तो जो बॉडी में, जैसे हमने देखा था एग्जीक्यूटिव की बॉडी होगी, तो ये जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं इनको तो ऑफिस बेयरर माना ही है, इंक्लूसिव इसके अलावा भी हो सकते हैं. बट स्पेसिफिकली इट सेज दैट ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिस बेयरर. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. इसके बाद ये बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस
उसका मतलब इन्होंने बताया है 2D में, मींस द ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज अ हेड ऑफिस. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो ट्रेड यूनियन का जो ऑफिस रहेगा, हेड ऑफिस जो उसने अपना नाम दिया है, हेड ऑफिस का एड्रेस दिया है, उसी को हम बोलेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन. इसके बाद इन्होंने बोला है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है. सेक्शन 2E में इन्होंने सिंपली बोला है कि ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 2E. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, दैट इज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 2G. ट्रेड डिस्प्यूट का इन्होंने मतलब बताया है सबसे पहले मींस एनी डिस्प्यूट. तो डिस्प्यूट तो इसकी प्री रिक्विजिट है, डिस्प्यूट बिटवीन. अब ये डिस्प्यूट किसके बीच हो रहा है, तो पहले ये बोलते हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच हो रहा है, या फिर वर्कमैन और वर्कमैन आपस में ही देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कमैन, उसको भी डिस्प्यूट बोला गया है, ट्रेड डिस्प्यूट. इसी के साथ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, यानी दो एम्प्लॉयर के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो वो भी ट्रेड डिस्प्यूट माना गया है. अब ये जो डिस्प्यूट है ये पर्सनल नेचर का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. दिस डिस्प्यूट शुड बी कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही है ये डिस्प्यूट, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसके ऊपर आप उसको रख रहे हैं किसी एम्प्लॉयी को या वर्कर को, तो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिस्प्यूट है, या कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन. कंडीशन ऑफ लेबर यानी किस हालात में वो काम कर रहा है लेबर, उसके ऊपर ये डिस्प्यूट है. तो ऐसे केसेस में इसको ट्रेड डिस्प्यूट माना जाएगा. याद रखना है पर्सनल नेचर का डिस्प्यूट ट्रेड डिस्प्यूट में नहीं आएगा. इसके बाद इन्होंने इसी डेफिनेशन में वर्कमैन को भी डिफाइन कर दिया है. वर्कमैन मींस ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन अ ट्रेड और इंडस्ट्री. तो जितने भी पर्सन एम्प्लॉयड हैं किसी ट्रेड या फिर इंडस्ट्री में, उन सभी को वर्कमैन माना गया है. वेदर और नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयर विथ हुम द ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेस. तो ये एक तरह से इन्होंने बता दिया है कि कोई पर्सन है, लेट्स से दिस पर्सन ही इज हैविंग अ डिस्प्यूट. डिस्प्यूट किसके साथ है, एम्प्लॉयर के साथ नहीं है, लेकिन किसी वर्कमैन के साथ हो सकता है या किसी और पर्सन के साथ हो सकता है इस इंडस्ट्री के. तो यहां पर ये कहना चाहते हैं कि एक पर्सन जो इस ट्रेड या फिर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है तो इतना काफी है उसको इस वर्कमैन की डेफिनेशन में लेने के लिए. अब बात करते हैं ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन जो दे रखी है 2H में. यहां पे कीवर्ड याद रखना, इट्स अ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन चाहे वो टेम्पररी कॉम्बिनेशन हो या परमानेंट कॉम्बिनेशन हो, विच इज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन, रिश्तों को रेगुलेट करने के लिए. अब किस रिश्तों को, रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, एंड बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर. तो ये जो रिश्ते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बना हो. एंड और इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस. तो ये जो कंडक्ट होगी ट्रेड और इंडस्ट्री में, जो भी आप कंडक्ट करते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाने के लिए ये फॉर्म हो सकता है कॉम्बिनेशन. And includes any federation of two or more trade unions. तो दो ट्रेड यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन T1 हो गई, दूसरी ट्रेड यूनियन T2 हो गई. अब इन दोनों का फेडरेशन अगर मिला दें तो ये अपने आप में भी एक अलग ट्रेड यूनियन मानी जाएगी. Now let's see the mode of registration. Registration किसी ट्रेड यूनियन का इस एक्ट में कैसे होगा, let's see. मान लीजिए यहां पर एक ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इसको इस एक्ट में रजिस्टर करना है.
So at least 7 or more members of such trade union by subscribing their names to the rules of trade union. तो इस ट्रेड यूनियन के जो रूल्स होंगे उसमें एटलीस्ट 7 या मोर मेंबर्स ऑफ दिस ट्रेड यूनियन शुड सब्सक्राइब देयर नेम टू दिस रूल एंड बाय कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन रेस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. तो ये अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रार को इस एक्ट में रजिस्टर्ड कराने के लिए. लेकिन आपको एक बात याद रखना है यहां पर, नो ट्रेड Union of Workmen shall be registered unless, तो एक condition है, बहुत ही important है. So unless 10% of workmen or 100 workmen, whichever is less, engage or employed in an establishment or a industry. तो let's say यहाँ पर कोई establishment है या कोई industry है, उस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री में भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कमैन काम कर रहे हैं, इस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री के जो टोटल वर्कमैन है उसके एटलीस्ट 10% या फिर 100 विच एवर इज लेस आर कनेक्टेड मेंबर्स टू सच ट्रेड यूनियन. तो इतने लोग इस ट्रेड यूनियन से अगर कनेक्टेड हैं on the date of making the application to the registrar, then only this trade union can be registered under this act. Now let's see the formalities for registration. सबसे पहले हमने देखा conditions और अब आपको एक application देनी पड़ेगी. The trade union should give the application to the registrar, which is prescribed under this act. And this application shall accompany the copy of rules of trade union and a statement. तो एक copy of rule अटैच करना है और साथ में statement देना है. Statement में आपको general बातें बतानी है, like name, occupation, address of the members who are making the application. इसी के साथ trade union, in case of trade union of workmen अगर है तो name, occupation, address of the place of work of the members of trade union. तो जितने members हैं उनके बारे में आपको information देनी है, name, occupation, address, name of the trade union का नाम बताना है, and address of its head office जो कि registered office माना जाएगा इस trade union का. इसके साथ ही titles, names, age, address and occupation of the office bearers of the trade union भी आपको देना है information. इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बहुत जो एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, अगर कोई ट्रेड यूनियन जो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है फॉर मोर देन वन ईयर बिफोर मेकिंग सच एप्लीकेशन देयर शैल बी वेरीफाइड बाय द टू द रजिस्ट्रार टुगेदर विद द एप्लीकेशन. एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. तो ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की स्टेटमेंट देनी है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसी ट्रेड यूनियन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है फॉर मोर देन वन ईयर, उसी को ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देना है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोविजन कंटेंट इन द रूल्स. हमने देखा था रूल्स की एक कॉपी भी देना है. तो रूल्स में क्या क्या होना चाहिए ये यहां पर बताया, यानी ये तो रूल्स में प्रोवाइड होना ही चाहिए. द ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी एंटाइटल टू द रजिस्ट्रेशन अनलेस एग्जीक्यूटिव देयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस. यानी आपको एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, बॉडी ऑफ मैनेजमेंट, वो एज पर दिस एक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और साथ ही साथ द रूल्स ऑफ दिस ट्रेड यूनियन मस्ट प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग मैटर्स. सबसे पहला है नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन देना पड़ेगा आपको रूल्स में. सेकंड प्रोविजन होना चाहिए रूल्स में ऑब्जेक्ट, कि ये ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्ट क्या होगा ये भी रूल्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसी के साथ जो जनरल फंड होगा इस ट्रेड यूनियन का उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा ये भी इन रूल में होना चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर, तो जितने भी मेंबर्स होंगे इस ट्रेड यूनियन के उसकी लिस्ट ऑफ मेंबर्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एंड दिस लिस्ट ऑफ मेंबर्स शुड बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू द रजिस्ट्रार.
एडमिशन ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर, किस तरह से आप किसी मेंबर को एडमिट करेंगे ये भी इसमें देना पड़ेगा। ऑल्सो द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फीस कितनी लेंगे आप मेंबर से वो भी देना पड़ेगा। साथ में अगर कोई फाइन लगाना है आपको या फोरफीचर करना है तो वो उसके रूल्स भी आपको इसमें देने पड़ेंगे, फाइन्स एंड फोरफीचर। एंड द मैनर इन विच दीज रूल्स कैन बी अमेंडेड, वैरिड और रिजाइंडेड, ये भी मैनर किस तरह से रूल्स को आप अमेंड कर सकते हैं ये भी रूल्स में लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ मैनर इन विच द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द ऑफिस बेयरर शैल बी इलेक्टेड, तो उनका चुनाव कैसे होगा ऑफिस बेयरर्स का और एग्जीक्यूटिव्स का, और साथ ही साथ उनको कैसे निकाला जा सकता है ये भी आपको मेंशन करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मेंबर्स दैट इज विल बी इलेक्टेड एज अ एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर, उनकी जो ड्यूरेशन होगी इट शुड नॉट बी मोर देन 3 इयर्स। तो जो भी एग्जीक्यूटिव आप अपॉइंट करेंगे या ऑफिस बेयरर, उनकी जो टेन्योर होगा, ड्यूरेशन होगी, मैक्सिमम 3 इयर्स होगा, ये आपको रूल्स में मेंशन करना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। द सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स, आपको जो फंड्स हैं इसके ट्रेड यूनियन के उसकी सेफ कस्टडी किस तरह होगी ये भी रूल्स में देना है, और एनुअल ऑडिट किस तरह से होगा इसके अकाउंट्स का ये भी रूल्स में मेंशन होना चाहिए। एंड लास्टली द मैनर इन विच द ट्रेड यूनियन मे बी डिसॉल्व, तो अगर लास्ट में अगर आपको डिसॉल्व करना है, बंद करना है ट्रेड यूनियन, तो उसका प्रोसीजर भी इस रूल्स में मेंशन होना चाहिए। नाउ लेट्स सी सेक्शन 9 व्हिच टॉक्स अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। Once you make the application, you give the copy of rules and all the information. Then once the registrar is satisfied about the provisions have been complied by this trade union for registration, then the registrar on being satisfied will issue a certificate of registration in the prescribed form, and this certificate of registration will be a conclusive evidence that the trade union has been duly registered. It is just like a birth certificate of a person. So, ek baar aapne ye certificate produce kar diya, iska matlab this union, trade union, is a registered trade union and it exists. Ye iska conclusive evidence hoga, certificate of registration. Now, let's see incorporation of a registered trade union. Every registered trade union shall be a body corporate. इसकी एक अलग पहचान होंगी इसके members के अलावा. It will be a separate legal entity हो जाएगी registration के बाद. So it will have a body, it will have a status of body corporate. It will have a perpetual succession. Perpetual succession का मतलब है ये चलती जाएगी चाहे इसके members आए या जाए. The corporation, that is the body corporate, will continue to exist. It will have its own common seal. Iska alag se ek common seal hoga. It can hold the property, both immovable property ya movable property. It can hold its own name. It can enter into a contract. Ye trade union contract kar sakti hai dusro ke saath. And saath hi saath, it can be sued and can be sued. It can file a suit against anybody and all other person can also file a suit against the trade union. This is the status of body corporate it will get after the registration. Iske baad dekhte hain cancellation of registration. So there are grounds on which registrar may cancel the certificate of registration. So these are the ground you have to remember. तो पहला ग्राउंड है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन ने खुद ने ही एप्लीकेशन दे दिए कि इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दीजिए, तो रजिस्ट्रार में कैंसिल. सेकंड पॉइंट है इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि सर्टिफिकेट वॉज ऑप्टेन बाय फ्रॉड और मिस्टेक, देन ऑल्सो ही कैन कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. और इफ ही फील्स दैट इट सीज टू एग्जिस्ट, यानी अब वो कोई बचा ही नहीं है उसमें मेंबर, सीज टू एग्जिट, देन ऑल्सो इट कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन. और हैज विलफुली कॉन्ट्रावेंटेड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स, इस ट्रेड यूनियन ने जानबूझ के इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया है या रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो भी रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. और
there are certain rules which are inconsistent with the provisions of the act, या ऐसे कोई rules trade union ने अपने rules में ले लिए जो कि इस act से match नहीं होते, inconsistent है, तो ऐसे केस में भी cancel कर सकता है registrar इसका certificate of registration, or has resigned any rules which are mandatory, या ऐसा rule उसने हटा दिया है अपने rules में से जो कि जरूरी था इस act में उस rule का होना, तो ऐसे केस में भी registrar can cancel the registration certificate. If the registrar is satisfied that the trade union of workmen ceased to have requisite number of members, साथ ही साथ अगर minimum number of members इस trade union में नहीं है, तो ऐसे केस में भी trade union के जो registration certificate है, उसको registrar cancel कर सकता है. Now let's see the provision related to filing of return. It is given under section 28. As per section 28, every trade union, registered trade union, should file annually a return which contain a general statement which should be audited. General statement should be relate to all receipt and expenditure. जो भी उसको प्राप्तियां हुई है और जो भी खर्चे हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड एंडिंग ऑन 31st of December. ये आपको याद रखना है, यहाँ पर जो ईयर एंड होगा जिस ईयर से रिलेटेड आपको ये रिसीट पे एक्सपेंडिचर देना है, दैट शुड बी 31st December. इसी के साथ आपको एक स्टेटमेंट भी देना है, दैट इज चेंजेस इन द ऑफिस बेयरर. अगर ऑफिस बेयरर में कुछ पोजिशंस में चेंजेस हुए हैं तो वो भी इस रिटर्न के साथ आपको देना है. And the copy of rules updated till the date of dispatch. ये भी important है. 31st December की बात नहीं कर रहा है. जो copy of rule आपको attach करनी है इस return के साथ, it should be updated till the date of dispatch of this return to the registrar. मान लीजिए ये आपने dispatch किया है 31st January को और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो है 31st दिसंबर तक की, तो यहां पर अगर कोई चेंजेस हुए हैं रूल्स में या ऑफिस बेयरर्स में, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन अपडेटेड फाइल करनी पड़ेगी विद द रजिस्ट्रार. इसी के साथ अ कॉपी ऑफ एवरी अल्टरेशन, अगर आप कोई भी अल्टरेशन करते हैं रूल्स में, देन इट शुड बी फाइल विद द रजिस्ट्रार सेपरेटली विद इन 15 days. जब कभी भी अमेंडमेंट होता है रूल्स में, यू हैव टू फाइल अ कॉपी ऑफ रूल्स, अपडेटेड रूल्स विद इन 15 डेज ऑफ द अल्टरेशन. नाउ द लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट इन दिस इज दैट इंस्पेक्शन, दैट रजिस्ट्रार विल हैव अ पावर टू इंस्पेक्ट ऑल द अकाउंट्स बुक्स रजिस्टर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग ऑल रीजनेबल टाइम. So all reasonable time he can inspect. Reasonable time का मतलब है reasonable. He cannot go in the midnight, 1 o'clock like that. So reasonable time में registrar can inspect the documents of the registered trade union, and he can go there at the registered office of trade union and can inspect there all the documents, or he may require trade union to produce such document at such a place. या वो ऐसा बोल सकता है trade union को, नहीं इस place पे आके मुझे produce कीजिए document, but this place should not be far than 10 miles from the registered office of the trade union. तो अगर the registered office of trade union is situated here, तो ये कौन सी प्लेस पे प्रोडक्शन के लिए बोल सकता है, विद इन 10 miles. याद रखना है किलोमीटर नहीं है यहां पर, माइल्स है. पुराने जमाने का एक्ट है इसलिए माइल्स यूज होता था. सो विद इन 10 miles के डिस्टेंस पे किसी भी प्लेस पे रजिस्ट्रार कैन आस्क टू प्रोड्यूस दोज डॉक्यूमेंट.